नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम और आपके पसंदीदा शो सितारों का आईना में। इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं किसी फिल्म नाम चेहरे किसी हस्ती या फिर किसी ट्रेलर का आईना जो होते हैं उनके दर्शक जो हर अच्छे बुरे भले को जज करके पहुंचाते हैं उन तक अपने कमेंट्स के जरिए, अपने व्यूज के जरिए और अपने प्यार के जरिए, और उसी प्यार को हम अपने इस खास प्रोग्राम में लेकर आपके लिए आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आखिरकार आज हम किसका आईना आपके लिए लेकर आए हैं। तो बता दें कि आज हम लेकर आए हैं भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह की फिल्म माँ तुझे सलाम के ट्रेलर का आईना जो बीते दिन पहले रिलीज हो गया है। इस फिल्म में पवन सिंह, मधु शर्मा, अक्षरा सिंह, सुरेंद्र पाल सिंह, एहसान खान, प्रकाश जय, शयाज खान, सुदेश कौल, सुनील, काफी सारे लोग देखने को मिलेंगे। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अभय सिन्हा और समीर आफताब। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है असलम शेख ने और इस फिल्म के को प्रोड्यूसर हैं बालेश जैन एंड मट्स मूवी। और ये फिल्म बनकर तैयार हो चुकी है, तभी आप लोगों को ट्रेलर देखने को मिला है। 15 अगस्त के मौके पर फिल्म सिनेमाघर में रिलीज होगी, लेकिन उससे पहले ही ट्रेलर को जिस हिसाब से प्यार मिला है ना, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आगे चलकर ये ट्रेलर ही बहुत अच्छे खासे व्यूज का रिकॉर्ड बना सकता है। वेल, फिलहाल सितारों के आईने प्रोग्राम में आज हम पवन सिंह की इस फिल्म का आईना आपको दिखाएंगे, जिसमें हम बताने जा रहे हैं कुछ आलोचकों के कमेंट और कुछ सकारात्मक कमेंट भी। लेकिन कुछ जो कमेंट हम चुनकर लाए हैं उनमें से सबसे पहले हम आपको बताएंगे सकारात्मक कमेंट, लेकिन उससे पहले देख लीजिए इस फिल्म से जुड़ी ये खास खबर। स्टार्ट योर करियर विद अस। भोजपुरी सिनेमा के सुल्तान पवन सिंह, अक्षरा सिंह और मधु शर्मा की फिल्म माँ तुझे सलाम का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। जिस ट्रेलर का दर्शकों को काफी समय से इंतजार था और आज वो फिल्म का ट्रेलर यशी म्यूजिक पर रिलीज किया गया है, जिसे रिलीज होते ही इतने के साथ ही लाखों लोगों ने देख लिया। वैसे आप लोगों को बता दें कि इस फिल्म के ट्रेलर में अगर पवन सिंह के लुक और रोल की बात की जाए तो पवन सिंह का इस फिल्म में एक्शन से भरपूर तो है ही ये फिल्म, जिसमें पवन सिंह पड़ोसी मुल्क को धूल चटाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म में पवन सिंह दो दो हीरोइनों के साथ इश्क फरमाते नजर आ रहे हैं। जहाँ एक बार पवन सिंह अक्षरा सिंह का रोमांस नजर आया है, तो वहीं दूसरी तरफ पवन मधु के साथ भी रोमांस करते नजर आए हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए तो पवन सिंह की हर फिल्म से हटकर इस देशभक्ति फिल्म को बनाया गया है, जो ट्रेलर में साफ नजर आ रहा है। तो इस फिल्म से जुड़ी खबर तो आपने जान ली है, बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ आलोचकों के कमेंट, क्योंकि फिल्म के एक एक गाने काफी ही हैं फिल्म को हिट करवाने के लिए। पवन का एक्शन, डायलॉग और बजरंगी पन्ना दर्शकों को बहुत भा रहा है। इस फिल्म में पवन सिंह ने बजरंगी का किरदार निभाया है, जो बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है। इसलिए सिर्फ 19 घंटे में इस फिल्म की शक्ति दिखाई दे दी है और 11 लाख लोगों ने देख लिया है। तो चलिए सीधे नजर डालते हैं उन 11 लाख लोगों में से किन लोगों को पवन सिंह की ये फिल्म का ट्रेलर खासा पसंद आया है और उन्होंने अपने अंदाज में किस तरह से कमेंट में इस फिल्म की तारीफ की है, देखिए। पहला कमेंट है निर्देश यादव का, जो लिखते हैं, पवन भाई आज तक का सबसे सुपरहिट फिल्म होगी, जितना सिनेमा में हो सके एक साथ रिलीज करना भोजपुरी में नया रिकॉर्ड बना देगी, जबरदस्त ट्रेलर है, ऐसी पिक्चर बनाने के लिए थैंक्स अभय सिन्हा जी। इन्हें पवन सिंह की फिल्म माँ तुझे सलाम इतनी ज़्यादा पसंद आई है क्योंकि कि इन्होंने फिल्म बनाने के लिए इस फिल्म के डायरेक्टर की भी धन्यवाद दिया है, साथ ही इस फिल्म की काफ़ी सारी तारीफें करते हुए इन्होंने एक सलाह दी है कि फिल्म को जल्द ही रिलीज करें क्योंकि ट्रेलर हिट है और फिल्म भी जबरदस्त हिट होगी और रिकॉर्ड बनाएगी। अगला कमेंट अनिल पासवान का है, जो लिखते हैं, वाओ, भोजपुरी का पहला सुपर डुपर हिट मूवी है, जय हिंद जय भारत। यानी इन्हें इस फिल्म को देखने के बाद देशभक्ति इस कदर जागी है कि इन्होंने अपने कमेंट में देश के लिए नारे भी लगाए हैं और लिखा है कि भोजपुरी की पहली ऐसी फिल्म है जो इन्हें बहुत पसंद आई है। अगला कमेंट पीआर फिल्म का है, जो लिखते हैं, अविश्वनीय, पहली बार किसी फिल्म की शूटिंग विदेश स्तर पर हुई है, भोजपुरी के लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, फिल्म के ट्रेलर ने जो तहलका मचाया है जबरदस्त है, पवन सिंह जान है भोजपुरी के। यानी इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद इनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि भोजपुरी में इस तरह की फिल्में भी बन सकती हैं। फिल्म देखने के बाद इन्हें बहुत खुशी हुई है और इन्हें पूरी उम्मीद है कि फिल्म जब रिलीज होगी तो तहलका मचा देगी, क्योंकि पवन सिंह इनको जान से प्यारे हैं और भोजपुरी के लिए भी पवन सिंह को ये जान ही मानते हैं।
अगला कमेंट तरुण कुमार झा का है जो लिखते हैं, पवन सिंह का मैं ऐसा फैन था कि मानो मेरे सामने सलमान खान खड़ा हो और दूसरी तरफ अपना पवन सिंह हो तो मैं पवन सिंह का ही फैन कहता सबको। यानी ये पवन सिंह को इतना पसंद करते हैं कि सलमान खान से तुलना करते हुए इन्होंने सलमान से ऊपर बता दिया है पवन सिंह को। अगला कमेंट है प्रिया गुप्ता का जो लिखती हैं, बॉलीवुड से भी अच्छा है पवन जी, लव यू। यानी इन्हें भी पवन सिंह की ये फिल्म बहुत अच्छी लगी है, इतनी अच्छी कि बॉलीवुड से भी ऊपर इन्होंने इस फिल्म के ट्रेलर को बता दिया है। अगला कमेंट जावेद अंसारी का है जो लिखते हैं, राजा जाने खेसारी की फिल्म पवन भैया की फिल्म माँ तुझे सलाम के ट्रेलर के आगे कुछ नहीं है, नहीं टिकी। यानी राजा जानी फिल्म इन्हें उतनी खास नहीं लगी, पवन सिंह की फिल्म माँ तुझे सलाम का ट्रेलर ही इन्हें खासा पसंद आया है। अगला कमेंट अजय वर्मा का है जो लिखते हैं, वेरी नाइस ट्रेलर पवन सिंह जी, मूवी आपकी सुपरहिट होगी, विश यू ऑल द बेस्ट, बम्पर हिट, धमाकेदार ट्रेलर, भारत माता की जय, जय हो भोजपुरिया समाज, अजय वर्मा निरहुआ बिगेस्ट फैन। यानी ये निरहुआ के बिगेस्ट फैन है लेकिन इन्हें पवन सिंह की ये फिल्म बहुत पसंद आई है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आमतौर पर भोजपुरिया दर्शकों में ये देखा जाता है कि उन्हें जो स्टार पसंद आते हैं वो सिर्फ उसी की फिल्में देखना पसंद करते हैं और उसी की फिल्मों की तारीफ भी करते हैं, लेकिन अजय वर्मा को पवन सिंह की ये फिल्म बहुत पसंद आई है और इन्होंने पूरी उम्मीद जताई है कि फिल्म जब रिलीज होगी तो सुपरहिट होगी। इन्होंने आगे की सफलता के लिए बधाई भी दी है और शुभकामनाएं भी दी हैं। बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगला कमेंट जो विपिन गॉड का है जो लिखते हैं, इसमें तो सब ट्रेलर रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 17 घंटे में 1 मिलियन व्यूज, व्हाट अ रिकॉर्ड। यानी इस फिल्म के ट्रेलर को लोगों ने इतना पसंद किया है कि सिर्फ 17 घंटे के अंदर अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा लोग इस फिल्म के ट्रेलर को देख चुके हैं, जिस पर इनकी नज़र गई तो इनके भी कान खड़े हो गए और इसी बात का जिक्र इन्होंने यहाँ किया है। जाहिर है इन्हें भी फिल्म का ट्रेलर बहुत पसंद आया इसलिए इन्होंने इतना गौर किया है। अगला कमेंट ज्योति चौधरी का है जो लिखती हैं, अक्षरा जी का डांस टू माइंड ब्लोइंग है, वाओ ग्लोरियस लुकिंग मैडम जी, लव यू। यानी इन्हें भी अक्षरा सिंह का डांस इस फिल्म में खासा पसंद आया है और इन्होंने इसको ग्लोरियस लुकिंग बताया है। बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगला और आखिरी कमेंट जो शैलेश कुमार का है, ये लिखते हैं, वाओ इट्स ग्रेट मूवी फॉर भोजपुरी। यानी इन्हें भी ये फिल्म इतनी ज़्यादा पसंद आई है कि भोजपुरी सिनेमा के लिए ही इन्होंने इस फिल्म को बेहतर बता दिया है। तो ये अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट जाने के बाद अब वक्त हो चला है कुछ आलोचकों के कमेंट जाने का। इस फिल्म में एक लंबे समय के बाद आपको पवन का एक पुराना गाना भी सुनने को मिलेगा जिसके बोल हैं, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनैले बाड़े। उस समय पांच साल पुराना गीत तो एक बार दोबारा से फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। उस समय पर भी इस गाने को खासा पसंद किया जाता था। इस फिल्म में अक्षरा पवन का रोमांस हो या फिर मधु शर्मा के पवन की केमिस्ट्री, सब कुछ एकदम खास है, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों ने कमियां निकाली हैं, उसमें भी कुछ लोगों ने आलोचना की है, तो आलोचना दिखाना भी हमारा फर्ज है। और जिसकी इतनी सारी फैन फॉलोइंग होगी, जिसकी इतनी सारी लोकप्रियता होगी, अगर आलोचक ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा। तो हम जल्दी से बता देते हैं अब उन आलोचकों के कमेंट जिन्होंने अपने अंदाज में इस फिल्म में कमियां भी निकाली है, कमेंट में कैसे पेश किया है देखिए। पहला कमेंट है सना खान का जो लिखती हैं, बकवास। यानी इन्हें ये फिल्म या तो पसंद नहीं आई या तो समझ नहीं आई, इसलिए इन्होंने बहुत कम शब्दों में इस फिल्म की आलोचना करके इस फिल्म को बकवास बता दिया है। अगला कमेंट भोजपुरी स्टार का है जो लिखते हैं, इस फिल्म में अपना भोजपुरी भाषा का पता ही नहीं है, हमरा अच्छा ना लगल, सब हीरो अपन भाषा भूल गए। यानी इन्हें ये फिल्म का ट्रेलर इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि यहाँ पर कुछ जगह पवन ने हिंदी बोली है, लेकिन भोजपुरी स्टार जी आपको ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस फिल्म में सिर्फ कुछ जगह ही पवन ने हिंदी शब्दों का प्रयोग किया है, बाकी जगह आपको पवन भोजपुरी बोलते ही नज़र आएंगे और उसी देशी अंदाज में नज़र आएंगे जिसमें वो हमेशा नज़र आते हैं। अगला कमेंट विकास कुमार का है जो लिखते हैं, पटना से पाकिस्तान मूवी का कॉपी है। यानी इन्हें इस फिल्म का ट्रेलर पसंद आया या नहीं, इस बात का बिना जिक्र किए हुए इन्होंने इस फिल्म को पटना से पाकिस्तान फिल्म की कॉपी बता दिया है। अगला कमेंट तरुण कुमार झा का है जो लिखते हैं, एक दिन ऐसा आएगा हम हिंदू मिट जाएंगे, ऐसा ही चलता रहा तो। यानी इन्हें इस फिल्म का ट्रेलर बहुत ज़्यादा बेकार लगा है और इन्होंने किस तरह से अपना गुस्सा निकाला है आप लोग कमेंट में देख ही पा रही होंगे। अगला कमेंट गुलफाम अंसारी का है जो लिखते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मूवी बनाने आता नहीं है, एक्टिंग करने भी नहीं आता। और इनको ऐसा लगा है कि इनसे ज़्यादा एक्टिंग और डायरेक्शन शायद कोई अच्छा नहीं कर सकता और इन्हें इस फिल्म के डायरेक्शन पर डाउट है और गुस्सा भी आ रहा है, इसलिए इन्होंने अपना गुस्सा किस तरह से निकाला है आप लोग देख पा रहे होंगे।
अगला कमेंट ब्रजेश कुमार का है जो लिखते हैं, मिलावटी है क्या भाई लोग, यानी इन्हें इस फिल्म में मिलावट लग रहा है। अब ये मिलावट है क्या, ये यही बता सकते हैं क्योंकि यहाँ मिलावट चीज़ों का इन्होंने जिक्र नहीं किया। अगला कमेंट विनोद सायन का है जो खेसारी के लिए क्या कुछ लिखते हैं आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। हालांकि इन्हें पवन सिंह के इस फिल्म का ट्रेलर बहुत पसंद आया है, लेकिन इन्होंने जिस तरह से कमेंट किया है उसे देखते हुए हमें इनका कमेंट आलोचकों वाले लिस्ट में शामिल करना पड़ा। अगला कमेंट यादव अजीत कुमार का है जो लिखते हैं, मस्त बट एक्शन थोड़ा कम है, धरती से जो खम्बा कबाड़ कर मार रहे हैं वहाँ थोड़ा स्लो मोशन में दिखाना चाहिए था। ये यहाँ किसी सीन का जिक्र कर रहे हैं और यहाँ उन्होंने बताया है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। अगला कमेंट अजय कुशवाहा का है जो लिखते हैं, बकवास है, यानी इन्हें भी इस फिल्म का ट्रेलर कुछ खास नहीं लगा। इन्होंने बहुत कम शब्दों में फिल्म की आलोचना करते हुए इस फिल्म के ट्रेलर को बकवास बता दिया है। अगला और आखिरी कमेंट क्रेजी राजकुमार का है जो क्या कुछ लिखते हैं आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, हम बोल नहीं सकते लेकिन आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे कमेंट से निराश होने की जरूरत नहीं है, हम हमेशा कहते हैं बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, और बेशक से इस फिल्म की लोगों ने आलोचना की हो लेकिन उससे ज़्यादा इस फिल्म ने लोकप्रियता भी बटोरी है। तो आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर से होगी मुलाकात ऐसे ही किसी और फिल्म नाम गाने ट्रेलर किसी हस्ती या फिल्म का आईना लेकर, लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।